हेलो फ्रेंड्स, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या है यूनिवर्स, कैसे है ये यूनिवर्स, क्या यूनिवर्स सिर्फ प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, मैटर्स और एनर्जीज को ही इंक्लूड करता है, क्या बिग बैंग थ्योरी ही कॉस्मोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्स के एक्सपेंशन और डेवलपमेंट का, क्या दिखेगा अगर हम यूनिवर्स के आखिरी शोर के पार देखें, क्या है यूनिवर्स के एक्सपेंशन के पीछे का राज, क्यों ये गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से तेज फैल रहे हैं, और क्या हम यूनिवर्स को जैसा समझते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। चलिए आपको आज ले चलता हूँ यूनिवर्स के गहराइयों में। रिसर्चर्स के अनुसार आज से करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब बिग बैंग हुआ और जिसके बाद सारे चीज जो एग्जिस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैटर्स, स्पेस टाइम और एनर्जीज के साथ हमारा यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, और उसके बाद से ही यूनिवर्स फैलता जा रहा है। यूनिवर्स दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। रिसर्चर्स के अनुसार ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है और इसे ही हम यूनिवर्स की बाउंड्री मानते हैं। इस बाउंड्री के अंदर सारे स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और इन सब के बीच आने वालों को मिला के बनता है हमारा यूनिवर्स। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ 4% ऑर्डिनरी मैटर, बाकी का यूनिवर्स 23% डार्क मैटर्स और 73% डार्क एनर्जीज से बना हुआ है, और शायद से यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जीज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के पीछे का कारण है। लेकिन एक मिनट, ये गैलेक्सीज लाइट की स्पीड से तेज कैसे फैल रहे हैं? क्या ये आइंस्टाइन के थ्योरी को ब्रेक कर रहा है? तो जी नहीं, दरअसल यूनिवर्स के बीच जो खाली जगह है वो भले ही हमारे लिए जीरो लीव हो, लेकिन उसमें भी बहुत ही लार्ज अमाउंट में लेकिन सूक्ष्म रूप में डार्क एनर्जी और डार्क मैटर मौजूद है, और ये डार्क एनर्जी ही है जो लाइट की स्पीड से ज्यादा तेजी से एक्सपेंड हो रहा है। ब्रह्मांड में कोई भी मैटर लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल नहीं कर सकता, लेकिन ये नियम खुद ब्रह्मांड में लागू नहीं होता, और जिसके वजह से सारे गैलेक्सीज ब्रह्मांड में लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल कर रहे हैं। लेकिन ये सब बात तो हो गई ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बारे में, लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर क्या है? क्या होगा अगर हम 93 बिलियन लाइट ईयर्स ट्रेवल करके ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार देखें? चलिए चलते हैं अनऑब्जर्व्ड यूनिवर्स के गहराइयों में। साइंटिस्ट की माने तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार कुछ तो है, और इसे लेकर काफी सारे थ्योरीज भी बनाए गए हैं। थ्योरी 1, व्हाट्स आउटसाइड द हबल वॉल्यूम। पहले आप ये जान लो कि हबल वॉल्यूम होता क्या है। हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और इसी में आज तक ऑब्जर्व किए जाने वाले सारे चीज मौजूद है। इसी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के दायरे को हबल वॉल्यूम कहते हैं। रिसर्चर्स का मानना है कि हमारे यूनिवर्स के हबल वॉल्यूम के बाहर भी बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस के हबल वॉल्यूम मौजूद हैं, और इन काउंटलेस यूनिवर्सेस में भी हमारे यूनिवर्स के तरह ही फिजिक्स के नियम काम कर रहे होंगे। यहाँ भी इंटेलिजेंट सभ्यताएं मौजूद होंगे, और उस सभ्यता के लोग भी शायद से ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि उनके यूनिवर्स के बाहर क्या है, और इन्हीं सारे बबल लाइक यूनिवर्सेस को मिला के बनता है मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स। और एक थ्योरी का मानना ये भी है कि बिग बैंग कुछ और नहीं बल्कि दो यूनिवर्सेस का टकराव ही है, क्योंकि कुछ नहीं से कैसे इतनी एनर्जी निकल सकती है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स बना दे, तो जरूर दो यूनिवर्स का टकराव हुआ होगा। चलिए अब दूसरे थ्योरी की बात करते हैं, द इनफाइनाइट यूनिवर्स। इस थ्योरी के अनुसार रिसर्चर्स ये मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइट है, और जो फिजिक्स के नियम हबल वॉल्यूम के अंदर लागू होंगे वही नियम हबल वॉल्यूम के बाहर भी लागू होंगे, और ये इनफाइनाइट यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स का ही पार्ट होंगे। और क्योंकि हबल वॉल्यूम के बाहर की लाइट्स हम तक पहुंच नहीं पा रही है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। थ्योरी नंबर 3, द डार्क फ्लो। साल 2010 में रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया कि ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खींचे चले जा रहे हैं लाइट की स्पीड से भी तेज, और इसके बाद से साइंटिस्ट का ये मानना है कि कुछ तो है जिसकी ग्रेविटी एक्सट्रीमली स्ट्रांग है और जो यूनिवर्स के क्लस्टर्स को खींच रहा है, और इस अननोन ग्रेविटी के ऊपर रिसर्च जारी है। और लास्ट थ्योरी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, द ब्लैक होल थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स में जितने भी ब्लैक होल हैं वो एक नए यूनिवर्स को बनाते हैं, और हर एक यूनिवर्स के अलग अलग फिजिक्स के लॉज हैं, और जैसे कि हम नहीं जानते कि ब्लैक होल के अंदर क्या है ये मिस्ट्री है, क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाद कोई भी चीज एस्केप नहीं हो सकता। और ये थ्योरी कहता है कि ब्लैक होल के इसी इवेंट होराइजन के बाद एक नया यूनिवर्स होगा एक अलग डायमेंशन में। सो यारो, ये सब एक थ्योरीज है, लेकिन ये जान पाना कि यूनिवर्स क्या है और कितना बड़ा है ये कोई इंसानी खेल नहीं, और शायद से इंसान के लिए ये पॉसिबल भी नहीं है। ब्रह्मांड कितना बड़ा है
आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इंसान पूरी समंदर में सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर को ही ऑब्जर्व डिटेक्ट या देख पाया है, लेकिन पूरी समंदर रूपी ब्रह्मांड में क्या है और क्या हो रहा है ये किसी को नहीं पता। हम इस ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं। अगर धरती पर ब्रह्मांड से छोटा सा पत्थर भी आ गिरे तो पूरा का पूरा धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा। सो, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।